हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बड़े होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही 10 बजे से और आज हो रही है थोड़ी थोड़ी बारिश। अभी तो थोड़ा बहुत बारिश हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है बारिश आएगी। और हमने नाश्ता वगैरह भी कर ही लिया था 9 बजे तक, और हमने सारे काम कर दिए हैं। बाकी हम ही अभी बैठे हैं, तो आज मैं जाऊँगी अपने माइके जाऊंगी मैं 3 बजे तक, क्योंकि हमारे गांव में रणछोड़ी धार तक कोई गाड़ी जाती है। तो मैंने इस भैया को कॉल की थी, तो उन्होंने कहा 3 बजे आ जाना, अगर बारिश रुक जाएगी तो मैं जाऊंगी अपने माइके, अगर नहीं रुकेगी तो घर ही में रहना पड़ेगा, फिर कल जाना पड़ेगा। वैसे सासू जी तो बोल ही रही थी सुबह से आने के लिए, लेकिन मैंने कहा आराम से जाऊँगी, क्या करना वहाँ जाके भी इतने जल्दी, तो तब जाएँगे। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, हमारी जो खीरे की बेल थी उस पर भी फूल आ गए, ये देखो बहुत जल्द इसमें खीरे लग जाएंगे। देखो ये मैंने कमेंट में बता रखा किसी ने मेरे को, कपास का पेड़ है, इसमें फूल आ गए। सेवन बोलना था इसको, एट नाइन टेन इलेवन। गाइस बहुत तेज बारिश लगी है, ये देखो मैम को चाब, ये देख सकते हैं आप हमारी दीवार टूट गई यहाँ पे। चलो चलो आके चलो, यहाँ देखो ये झोपड़ा जिसने भी बनाया है, ढंग नहीं बनाया, पूरा पानी घुस गया अंदर। अब वहाँ देखो मिट्टी भी आ चुकी है। हमारे खीरे के फूल भी नीचे गिर गए बारिश के कारण। तो गाइस आज बना रहे हैं हम आलू के पराठे, अभी दूध गर्म हो रहा है, उसके बाद बनाएंगे आलू के पराठे। तो गाइस बारिश रुकने का नाम ही ले रही है। ये देखो कार ने सुबह सुबह जैम खा रहा है, कितना गंदा बच्चा खाना है, दिखाओ अपना जैम। ये देखो गाइस जैम खा रहा है सुबह सुबह, बोले मैं कितना गंदा बच्चा हूँ। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के। तो गाइस अब कर रहे हैं हम नाश्ता, आ जाओ आप भी। आजा। देखो किसको ज्यादा भूख रही है। तो गाइस अभी हम बारिश का आनंद ले रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं हम कितनी मस्ती कर रहे हैं। और हमने रील्स भी बना दी है, अगर आपको रील्स देखनी है तुम्हारे इंस्टाग्राम आईडी में चले जाना, इनकी आईडी है सूरज पूनम और मेरी आईडी आपको पता ही होगा किरण बिश। ये देखो इन्हें, बारिश कम तो हो गया।
गाइस बहुत मजा आ रहा है, आप भी आओ। तो गाइस अभी तक बारिश बंद भी नहीं हुई और हम नहा भी गए हैं, बहुत मज़ा आया वैसे बारिश में भीगने में, बहुत मस्ती की आज हमने। और वैसे मेरे को ना मायके जाना था लेकिन बारिश के कारण नहीं जा पाई मैं, दो दिन से यही हो रहा है। कल भी शाम को जाना था मैंने 3 बजे, फिर बारिश ही नहीं रुकी, वैसे तो रुक गई थी, फिर मैं छोड़ा कि कल ही जाऊँगी मॉर्निंग में, और देखो कि आज फिर बारिश हो गई, तो मुझे लग रहा है बारिश रुकेगी नहीं, लगातार हो रही है हमारी दीवार तो उसने तोड़ ही दिया है। तो अब बनाते हैं हम खाना, खाने में बनाएंगे आज हम थाणू भात, जो गढ़वाली होंगे उन्हें तो पता ही होगा थाणू किसे कहते हैं, दाल को पीस के बनाया जाता है, जो दो जो चने की दाल होती है तो उसको पीस के बनाएंगे हम थाणू, वैसे गहत का भी बनता है लेकिन चने की दाल का भी बनता है, तो आज हम बनाएंगे थाणू भात। और बारिश भी अभी तक चली रही है और हम अपनी व्यूज देखते हैं, अब गोश्त करते हैं। वैसे हमें लग गई थी ठंड और अब हम पी रहे चाय और पापड़ चिप्स खा रहे हैं। खाना कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। तो गाइस अब बना रहे हैं हम खाना, ये देखो गाइस हमने दाल पीस दी है, मतलब जेठानी जी ने पीसी है, आपने देख लिया। और आप बनाएंगे फाणा, इसको हम सिलवट्टे में भी पीस सकते थे लेकिन हमने मिक्सी में पीस दिया। थोड़ा फाणे के लिए अलग कीजिए, पकौड़ी के लिए क्या। तो गाइस हमने पकौड़ी बनाने के लिए अलग निकालते हैं, उसमें नमक मिर्ची वगैरह सब ऐड कर दिया, बनाते इसकी पकौड़ी। तब बनाएंगे फाणा। तो गाइस हमने मर्च मिर्ची भी भून दी है और बन गई पकौड़ी, दाल की पकौड़ी। तो गाइस से देख सकते हो आप खाना बन रहा है, इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद पकने के बाद इसमें डालेंगे हम जो बनाई हुई पकौड़ी है वो, और चावल भी बन रहे हैं हमारे। वैसे आपको ये कढ़ी की तरह लग रहा होगा लेकिन ये चने की दाल का है ना, इसलिए और खाए से गहत का होता तो थोड़ा ब्लैक ब्लैक या ब्राउन ब्राउन दिखता आपको, वैसे तो कड़ी लग रही है। तो गाइस मौसम अभी अच्छा हो रखा है तो अभी हम आ रखे हैं छत में और पीछे का व्यू देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो एक बार मैं आपको व्यू बताती हूँ, यहाँ का मस्त नज़ारा है, अभी ऐसी नज़ारा मिस रहे लेकिन इस नज़ारे के चक्कर में इतना टूट फूट गया, देख रहे आप क्या बताऊँ मैं।
हमारी दीवार भी टूट गई और यहाँ मैं जहाँ देख रही हूँ नीचे वहाँ भी टूटा है, बाड़ वगैरह आ रखी इधर कहीं सामने, तो इधर सामने आ रखी है देखो ये टूटा टूटा नज़र आ रहा होगा आपको। और नदी का पानी भी बहुत बढ़ चुका है, नदी यहाँ से दिख नहीं रही बट आवाज़ पूरी आ रही है, यहाँ नदी का पानी बढ़ रखा है, बहुत सारी जगह तो टूट ही गया होगा वैसे। ऐसे भी चार ही बारिश हुई थी, चार ही बारिश में ये हाल हो गया है। और अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, देखो गाइस यहाँ पे भी टूटा है और पत्थर भी गिर गया हमारे यहाँ पीछे, ये देखो ये पत्थर अभी का गिरा हुआ है। तो गाइस अभी हम छत का पानी साफ कर रहे हैं। गाइस ये देखो रील्स बनाने के लिए कैसे रखा है फोन ये देखो गाइस यहाँ पे रील्स बनाई जा रही है, भाई फोन हटा दे रहे देखो गाइस आप बाद में रे सैतानी पहले कर रहा है देखो जुए ले बाबू कुछ नहीं होता है।